चुनाव के बाद एमपी को लेकर संघ का सर्वे आया सामने, आए चौंकाने वाले परिणाम। सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला निकला सही, लेकिन एक सांसद की हार बताई तय। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को नुकसान की उम्मीद से कम, मालवा में जबरदस्त फायदा। एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर। वैसे 30 नवंबर को तमाम टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल भी प्रसारित किए जाएंगे, लेकिन असली परिणाम तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। इस बीच चुनाव के बाद बीजेपी और संघ की फीडबैक रिपोर्ट जरूर लीक हो गई है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसे कथित रूप से संघ और बीजेपी का जमीनी स्तर का सर्वे बताया जा रहा है, जो वोटिंग के दिन किया गया था, और इस रिपोर्ट ने बीजेपी खेमे में खुशी जगा दी है। वैसे सट्टा बाजार से लेकर तमाम सर्वे ये इशारा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार भी कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है, लेकिन संघ का कथित एग्जिट पोल बता रहा है कि मुकाबला कांटे का जरूर है, लेकिन बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। बीजेपी को 116 सीट जो कि बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से पार कर जाएगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी को 124 सीटों पर जीत बताई गई है। इसमें 10 सीट ऐसी भी हैं जहां बीजेपी उलटफेर का शिकार हो सकती है, और इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी को कड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है। यानी अगर बीजेपी के हाथ से ये भी सीटें निकल जाती हैं, इसके अलावा 4 ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वहां कांटे का मुकाबला है, जिसमें गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की दतिया सीट भी शामिल है। अगर वो सीट भी कांग्रेस के पाले में चली जाती है तो उस स्थिति में कांग्रेस बीजेपी की सीटें बराबर यानी कि 114-114 हो सकती है। संघ की रिपोर्ट बीएसपी चंबल इलाके से 1 और सपा को बुंदेलखंड से 1 सीट पर जीत बताई गई है, लेकिन बात अगर कांग्रेस की सीट की करें तो उसे 100 सीट मिलती हुई बताई गई है। लेकिन पार्टी की 25 ऐसी सीट भी शामिल हैं जहां उलटफेर हो सकता है, और अधिकांश सीटों पर बीजेपी की उलटफेर करती दिखाई दे रही है। ऐसे में संघ की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी की सीटों की संख्या 114 से 150 तक भी पहुंच सकती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 75 सीटों पर भी सिमट सकती है, और बेहतर स्थिति में उसे 114 सीट भी मिल सकती हैं। यानी बहुमत के पार कांग्रेस जाती नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल जो संघ ने रिपोर्ट दी है उसमें बीजेपी को 124, कांग्रेस को 100, सपा और बसपा को 1-1 सीट के अलावा 4 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई गई है। बीजेपी को इस बार के चुनाव में विंध्य और बुंदेलखंड में पिछली बार की तुलना में नुकसान होते हुए दिखाया गया है। विंध्य में तो पार्टी फिर भी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन बुंदेलखंड में इस बार कांग्रेस भारी बताई गई है। ग्वालियर चंबल रीजन में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया गया है, लेकिन बीजेपी ने अच्छी खासी रिकवरी की है। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मालवा और डिबार्ड रीजन में मिलने पर बताया गया है। इसके अलावा महाकौशल में भी बीजेपी को फायदा होते दिखाया गया है, जबकि भोपाल नर्मदापुरम रीजन में इस बार भी बीजेपी की ही बढ़त बताई गई है। वैसे जो रिपोर्ट आई है वो हर सीट के हिसाब से आई है, और इन आंकड़ों को अभी हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है और जमीनी आकलन सही तरीके से किया गया था तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी ये खबर होनी चाहिए। पार्टी के लिए फिर मध्य प्रदेश में सत्ता का इंतजार 5 साल के लिए और बढ़ सकता है। वैसे कांग्रेस के नेता तो अभी यह दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी जीत तय है, लेकिन ये जरूर मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ टक्कर कांटे की हुई है। फिलहाल जीत के दावे दोनों ही ओर से हो रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज़।